नमस्कार दोस्तों, नोटबुक आइस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ जो राजेंद्र नगर में घटना हुई है, जिसमें तीन छात्र, अब उनके लिए क्या उपमा यूज़ की जाए। खैर, जो भी हुआ वो घटना नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो हम उस पर बात करेंगे थोड़ा, कि एक गरीब मध्यम वर्ग का छात्र गांव से निकल कर आता है यहाँ तैयारी करने। ये दिमाग में, मन में अपने सपना बुनकर चलता है कि एक दिन मैं IAS बनूंगा या PCS बनूंगा और देश में अपना कुछ योगदान करूंगा और सेवा दूंगा, तो साथ ही साथ मेरे जैसे जितने गरीब लोग हैं उनके कल्याण के लिए कुछ काम करूँगा, सरकार की जो भी योजनाएँ वगैरह चलती हैं उसको धरातल पर लागू करूँगा। ये सारे सपने लेकर एक छात्र दिल्ली जैसे संस्थान आता है और अपनी प्रिपरेशन की जो जर्नी है उसको शुरू करता है। कुछ छात्र यहाँ सफल भी होते हैं, कुछ छात्र असफल होते हैं, और ऐसे सिचुएशन में ऐसी घटना होना काफ़ी निंदनीय है। ये नहीं होना चाहिए था, कम से कम किसी संस्था के एंड से तो नहीं होना चाहिए था। लगातार देख रहे हैं, जितने भी अभी 3-4 साल में ऐसी लगातार घटनाएं हो रही हैं, ठीक है। तो अभी संस्कृति IAS में पिछले साल आग लग गई थी क्लासरूम में, तो कैसे कैसे करके बच्चे छतों से कूद रहे थे, रस्सियों से लटक रहे थे। तो ये UPSC वाले छात्र हैं, आर्मी के कमांडो नहीं हैं कि छत से लटक के या छत से कूद के अपनी जान बचा पाएंगे। तो ये किसकी गलती है, किसका फॉल्ट है, इस पे बात करने की बहुत आवश्यकता है, सरकार को भी संस्थान को भी। संस्थान तो कोई भी संस्था हो, एक मोटी रकम वसूलती है छात्रों से और उनको 1 साल 2 साल की प्रिपरेशन कराती है, और प्रिपरेशन के बाद क्या, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। राजेंद्र नगर की जो घटना हुई है, अंडरग्राउंड जो लाइब्रेरी चलाई जा रही थी अचानक से उसमें पानी भर गया है, और उसके बाद क्या हुआ आप सभी लोग जानते हैं। तो अब इस घटना पे हमको समीक्षा करने की ज़रूरत है, सभी संस्थान को समीक्षा की बहुत आवश्यकता है कि 3-4 सालों से जो भी घटनाएं चल रही हैं उससे अभी तक क्या सबक ले पाए हैं। आग लगने की घटना हुई, PG में आग लगी, अब डूबने की घटना हुई है, तो इससे हम लोगों ने क्या सीख लिया, इस पर बात करने की ज़रूरत है। कम से कम जितने बड़े संस्थान हैं उनको बोलना तो चाहिए, स्टूडेंट के हित में खड़ा तो होना चाहिए। ठीक है, गलती किसी की भी हो, लेकिन हम लोग जितने भी स्टूडेंट हैं वो छात्र से ही हैं, जो छात्रों के पक्ष में कम से कम खड़ा तो होना चाहिए। क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, ये डजंट मैटर करता है, लेकिन अगर एक शिक्षक, एक गुरु, एक मेंटोर अपने छात्रों के साथ खड़ा है तो उसके अंदर उत्साह होता है, बल होता है। ऐसे में तो शिक्षक और छात्र के बीच का जो रिश्ता है वो तो हमको दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रहा है। तो ये तो एक बिजनेसमैन और एक कस्टमर के बीच का रिश्ता हमको समझ में आ रहा है। तो कैसे कोई छात्र अब संस्थान पर भरोसा कर पाएगा जब शिक्षक वर्ग अपने बच्चों के साथ खड़ा ही नहीं है। छात्रों को बस इतना ही गुस्सा है कि घटना हुई, जो हुई सो हुई, लेकिन कोई भी शिक्षक इस मुद्दे पे मौन क्यों है, बोल क्यों नहीं रहा। उनको सामने आना चाहिए, बोलना चाहिए, जो भी घटना हुई है वो नहीं होना चाहिए था, छात्रों के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन हमारे जितने भी बड़े बड़े शिक्षक हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो सब मौन है। क्यों मौन है मुझे नहीं पता है, बट मौन नहीं होना चाहिए। अब बात करना चाहिए कि ऐसी घटनाओं का जिम्मेदार कौन है। सरकार जिम्मेदार है, कोचिंग संस्थान जिम्मेदार है, या छात्र जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है। भाई छात्रों को तो मैं नहीं कहूँगा कि छात्र जिम्मेदार है, वो छात्र जो है वो कोचिंग संस्थान में अपना पैसा देता है और प्रिपरेशन करता है, तो छात्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। जिम्मेदारी तो एक संस्थान की होनी चाहिए, और जिम्मेदारी संस्थान के साथ साथ सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार भी ऐसे संस्थानों पे
लगातार कार्रवाई करते रहे जो इलीगल तरीके से ऐसे क्लासरूम चला रहे हैं जो सुरक्षा के पैमाने पे खड़े नहीं उतरते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से भी चूक हुई है और सच जितने भी संस्थान हैं वो अपना मनमानापन तो कर ही रहे थे, तो इसका वास्तविक दोषी कौन है, सरकार या संस्थान? तो ये आप लोग खुद समीक्षा करिए। अब सभी छात्रों को समझ में आ ही रहा होगा कि क्या स्थितियां हैं, साथ ही साथ यहाँ रह रहे छात्रों की और बहुत सारी परेशानियां हैं कि यहाँ मनमाने तरीके से छोटे छोटे रूम के किराए वसूले जाते हैं। तो एक छोटा सा रूम है माचिस की डिबिया जैसी और उसका जो रूम रेंट है वो है 16,000-18,000, कहाँ तक सही है? गार्जियन घर से पैसे भेजता है कि मेरा बच्चा अच्छे से रह रहा होगा, अच्छे से पढ़ाई कर रहा होगा और यहाँ से कुछ बन के जाएगा, लेकिन स्टूडेंट किन हालातों में यहाँ रहता है ये अपने गार्जियन को पता नहीं लगने देता है। 16,000-18,000 रूम का किराया समझ रहे हैं, वो कहीं और अच्छी जगह देगा तो उसको आलीशान घर मिल जाएगा इतने में। 16,000-18,000 रुपये बहुत होता है, यहाँ एक रूम के फ्लैट का किराया 16,000-16,000 रुपये है। ढंग जहाँ मतलब कि समझ लीजिए कि इतने साथ ही साथ गंदगी भी इतनी है रूमों में, देखेंगे एकदम छोटा छोटा रूम है प्लस गलियाँ एकदम गंदी है, कचड़े जमा है, साफ सफाई नहीं है, रास छात्र बदबू में से हैं, आने जाने में उनको समस्या हो रही, फिर भी वो एडजस्ट कर रहे हैं। अगर इतना एडजस्टमेंट के साथ छात्र किसी तरह यहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं तो संस्थान की जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम उनको एक गुड क्वालिटी का, उनको कहते हैं ना कि सोर्स जो है जो उनको पढ़ाया जा रहा है उसका क्वालिटी भी अच्छा ना चाहिए। अब देखिए इतने सारे संस्थान हैं, अभी अगर आईएएस का रिजल्ट आया होता, ये घटना पे हम 2 मिनट छोड़ देते हैं, अगर यूपीएससी का रिजल्ट आया होता तो सारे कोचिंग वाले अपना होर्डिंग लगा देते कि ये मेरे यहाँ से हुआ, ये मेरे यहाँ से हुआ, ये मेरे यहाँ से, एक छात्र के नाम हजारों कोचिंग में दिखाई देते हैं। बट आज वही हजारों कोचिंग ऐसी घटना के बाद बोल नहीं रहे कि क्या हुआ है, तो बोलने की ज़रूरत है, छात्रों के साथ की ज़रूरत है। मैं एक दो दिन मंच पे नहीं आ पाया क्योंकि मैं इस घटना से बहुत ज़्यादा आहत था, बहुत दुखी था, मैं बोलने के स्थिति में नहीं था। आज थोड़ा मुझे ठीक लग रहा है तो मुझे लगा कि इस मैटर पे बात होना चाहिए, बात करनी चाहिए। आप सब लोग मुझे पहले से ही जानते हैं, मेरा नाम है सुनील और UPPCS 2018 बैच में मेरा DYSP पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है। सेलेक्टेड होते हुए भी मैं आज भी छात्र जीवन जी रहा हूँ क्योंकि मैं भी यहाँ UPSC की प्रिपरेशन करने के लिए आया हुआ हूँ। तो मैं यही सोच रहा था कि हमने भी कहीं से कोचिंग ली है, मैं भी वहाँ उपस्थित हो सकता था। अगर मैं वहाँ होता तो हर छात्र को अपने को वहाँ रख के सोचना पड़ेगा कि अगर उस स्थिति में हम होते तो हमारे साथ भी कुछ घटना हो सकती थी, तो क्या हम लोग मौन रहते, हमारे परिवार वाले मौन रहते? अभी तक कोई संस्थान सामने नहीं आया जिसके यहाँ घटना हुई, वो भी सामने नहीं है कि उन छात्रों के परिवार के साथ क्या, उन परिवार वालों को कैसे शक्ति मिलेगी, कैसे बल मिलेगा, उनके बारे में भी तो सोचना पड़ेगा। कम से कम कुछ श्रद्धांजलि में ही आप लोग आ जाते ऐसी घटना होने के बाद। अब उनके फैमिली को कौन सपोर्ट करेगा? मान लीजिए कि वो अगर अपनी फैमिली का इकलौता बच्चा हुआ तो माँ बाप तो टूट गए होंगे पूरा, कौन सपोर्ट करेगा उनको, उनकी बुढ़ौती का लाठी कौन बनेगा? माँ बाप तो यही सोच के अपने बच्चे से उम्मीद लगाते हैं कि मेरा बच्चा मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा, सहारा बनेगा मेरा। अब उनका सहारा कौन बनेगा ये सोचिए आप लोग, सहारा तो बनना पड़ेगा ना, ना सरकार सोच रही है ना संस्थान सोच रहे हैं, सब अपना उल्टी सीधा कर रहे हैं। तो बस मेरी इतनी ही गुजारिश है कि ऐसी घटना जो हुई है उस पर समीक्षा करने की आवश्यकता है, किन किन वजहों से ऐसी घटना हुई है और फ्यूचर में
ऐसी घटना न होने पाए इसके लिए हमें मानक तय करने होंगे। इसलिए आवश्यकता है कि सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए हम जितने पहलू पे सोच सकते हैं उतना पहलू पे सोचिए। बड़े बड़े जो संस्थान हैं सुरक्षा की गारंटी लीजिए कि छात्रों को कुछ होने ना पाए। बड़े बड़े जो आप लोग क्लासरूम चला रहे हैं कम से कम 4-5 एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट होने चाहिए कि अगर ऐसा कुछ होता है तो छात्र तुरंत वहाँ से निकल पाए। आप लोग इतना तो कर सकते हैं। अरे आप लोग बहुत बड़ी संस्था हैं, अरबों का टर्नओवर है आप लोगों का, इतना स्टूडेंट के लिए तो कर ही सकते हैं। कितना पैसा बचाओगे आप लोग? जिससे पैसा कमा रहे उसकी सुरक्षा के लिए तो बात करो। हम तो बहुत छोटी संस्थान है, हम मेरे एंड से जो हो सकता है मैं करता हूँ। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग छोटी सी संस्था है, टेस्ट सीरीज चलाते हैं, बच्चों को फ्री में टेस्ट सीरीज देते हैं, फ्री में टेस्ट सीरीज बच्चे कर रहे हैं। हम अपने स्तर से इतना ही कर सकते हैं, चीज़ें फ्री में टेस्ट सीरीज दे रहे हैं उनको, उनका भी प्रोत्साहन हो रहा है, तैयारी हो रही है। प्लस सबसे बड़ी बात सोचने की ये बात है कि जो स्टूडेंट आपके यहाँ से कोचिंग कर चुका अब उसका क्या होगा? 2 साल की बात, आप लोग तो उसको असहाय छोड़ देते हो, ना तो आप लोग उसको मेंटोर करते हो, ना गाइड करते हो, ना टेस्ट देते हो, 2.5 लाख रुपया फीस वसूलते हो उनको, तो तुम बेसहारा छोड़ दिए। जब तक वो उसका बैच चल रहा था तब तक तो तुम्हारा बच्चा था, बैच ख़त्म, नाता ख़त्म, रिश्ता ख़त्म। तो गुरु शिष्य की परंपरा ही नहीं है भाई यहाँ पे, ये परंपरा तो पूरी बिजनेस और कस्टमर की है। तो छात्रों को भी अब सोचना होगा अपने हित के बारे में। जितनी भी संस्थान है वो एक शॉप की नज़र से आप लोग देखिए कि वो दुकान है और हमें कस्टमर, हम वहाँ से प्रोडक्ट लेते हैं। कोई गुरु शिष्य वाली और परंपरा नहीं रह गई है। अगर गुरु शिष्य की परंपरा होती ना, शिष्य को अगर खांसी भी आती, छींक भी आता ना, तो गुरु उसके साथ खड़ा होता है। और इतनी बड़ी घटना के बाद सोचने वाली बात है। तो मेरी छात्रों से बस इतना ही अनुरोध है कि आप लोग संयम बना के रखिए थोड़ा, और अभी आने वाली जो परीक्षाएं हैं उस पर भी आप लोग फोकस रखिए। और चीज़ें सामान्य होने में समय लगती हैं, तो मैं भी एक छात्र हूँ, आप भी छात्र हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि कोई ऐसा कृत्य मत करिए कि आने वाली पीढ़ियों के लिए नुकसानदेह हो। संयम बना के रखिए और न्याय मिलेगा। हमारी न्यायपालिका पे भरोसा रखिए, सरकार पे भरोसा रखिए, न्याय जरूर मिलेगा उन छात्रों को। और साथ ही साथ अपनी सहमति असहमति जो भी है उसको शांतिपूर्वक अपना दर्ज कराइए। हमारा जो देश है वो गांधी जी और महात्मा बुद्ध का धरती है, उसका ध्यान रखिएगा। और आप लोग UPSC के एस्पिरेंट्स हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि आप लोग छात्र हैं, UPSC के एस्पिरेंट हैं, तो आप लोग को सारे मूल्य पता है। तो उन मूल्यों को भी ध्यान में रख के जो भी करना हो करिए, लेकिन मूल्यों से समझौता मत करिएगा। बाकी जो संस्थान हैं, जो बड़े टीचर हैं, उनका इथिक्स तो पढ़ाते पढ़ाते ख़त्म हो गया है, रट लिए हैं ज़्यादा ही। बट आप लोग एथिकल हैं, आप लोग उन सब बातों का ध्यान रखिएगा, ठीक। एथिक्स पढ़ाने से और एथिक्स पढ़ने से किसी के अंदर नैतिकता नहीं आ जाती है। नैतिकता आती है आचरण से, नैतिकता आती है व्यवहार से, और नैतिकता आती है उसको लागू करने से। सिर्फ फिलासफी झाड़ने से और इंस्टाग्राम पे फेमस होने से, ठीक है, और रील्स बनाने से नैतिकता नहीं आती है। भाषण देने के लिए तो कोई भी दे सकता है, अरे रील्स तो आजकल के इन्फ्लुएंसर भी बना रहे हैं, फॉलोअर्स तो उनके भी हैं। तो रील्स पे आप लोग मत जाइए, अपने कैरियर के बारे में अगर सोच के आप लोग आगे बढ़ेंगे तो आप लोग के लिए अच्छा होगा। मेरा सबसे अनुरोध है जो दूर दराज ग्राम क्षेत्रों से उठकर बच्चे आते हैं तैयारी करने, बस इतना ही अनुरोध है कि आप लोग नाम देख के कहीं भी एडमिशन मत लीजिए। आप लोग आइए, प्रॉपर इंक्वायरी करिए, हर चीज़ का इंक्वायरी करिए। वहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, स्टडी मटेरियल कैसा है, फैकल्टी कैसी है, प्लस सुरक्षा का पैमाना भी आपको देखना पड़ेगा कि कल को अगर फ्यूचर में कुछ हो तो हम सुरक्षित रहें। इस बात का भी ध्यान रखिए कि जहाँ क्लासेस चलाई जा रही हैं वो सुरक्षित हैं कि नहीं है। आजकल तो AC फटने का भी घटना हो रहा है,
तो हर बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, तो हर पहलू ध्यान। अभी तो कुछ दिन पहले एक यूपीएससी मेन लड़का दे रहा था, इलेक्ट्रिक शॉक से वो एक्सपायर हो गया। तो हर चीज़ पर ध्यान रखना होगा। अभी तो पता नहीं क्या यूपीएससी एस्पिरेंट के साथ लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो मैं बहुत दुखित हूँ और बहुत द्रवित भी हूँ। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मुझे खुद नहीं पता है कि मैं अब तक क्या बोल गया हूँ। बस इतना ही मैं कहूँगा कि मैं मुझे स्टूडेंट के हित की चिंता है। उन्हीं चिंता को देखते हुए हमने फ्री टेस्ट सीरीज चलाया हुआ था। जितना भी अभी तक चल रहा है मेरा सब फ्री में चल रहा है, और आगे भी आप लोग के लिए फ्री में चीज़ें चलती रहेंगी। आप लोग हमसे जुड़े रहिए। हमको या हमारी संस्थान को टर्नओवर से मतलब नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्ट हो, और हम भी गौरवान्वित होंगे इससे। बाकी आपका साथ होगा तो हम लोग भी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, लेकिन आप लोग का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। तो इन्हीं बाणियों के साथ मैं विराम देता हूँ, और आप लोग अपना ध्यान रखिए जहाँ भी रह रहे हैं। ये दिल्ली वैसे भी ज्वालामुखी के ऊपर खड़ा हुआ है, ठीक है। तो जहाँ आप लोग रह रहे हैं वो भी ज़्यादा सुरक्षित है नहीं। भूकंप वूकंप आते रहते हैं, तो बिल्डिंग भी थोड़ा यहाँ की जर्जर हैं। तो ध्यान रखिए, ज़्यादा जर्जर बिल्डिंग में मत रहिए, छोड़ दीजिए उसको तत्काल। नई बिल्डिंग्स पर थोड़ा दूर रहिए, चलेगा, कोई जरूर दिक्कत नहीं है। अब तो ऑनलाइन क्लासेस भी उपलब्ध हैं, लेकिन ऐसी जगह मत रहिए कि आपको खतरा हो। भाई आप रहेंगे तभी तो आईएएस बनेंगे। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। आज के लिए इतना ही, और बाकी उन तीन छात्रों के लिए मैं अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, अपने संस्थान की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जो बन सकेगा हम उन लोग के लिए करेंगे, उनकी फैमिली के लिए करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।